This is the best Apple Clone Smart Watch of 2022. तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमें एक और चैनल बनाने वाले हैं और हमने अपनी टीम को एक्सपेंड कर दिया है थोड़ा सा। तो थोड़ा सेटअप वेटअप भी हमने नया किया है, काफी बड़ी जगह ली है, सारी चीजें हमने यहाँ पे बड़ी करी है, नेक्स्ट लेवल करने की कोशिश करी है अपने हिसाब से। और यहाँ पे एक और चैनल के साथ आ गए और पहली वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं Firebolt Ring Plus की, जिसमें आपको काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। खैर स्मार्ट वॉच की बात तो आगे करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, जैसा प्यार आपने पहले वाले चैनल पे दिखाया है वैसे ही प्यार इस वाले चैनल को भी जरूर से दिखाना। यहाँ पे खासकर आप लोगों को स्मार्ट वॉच के ऊपर ही वीडियोस देखने को मिलेंगी, चाहे वो कंपैरिजन हो, टॉप 5 हो, मतलब स्मार्ट वॉच की ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी जो अभी तक किसी ने ना बनाई हो। मैंने भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाई है जो इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से अगर नए हो तो सब्सक्राइब मार दो यार और 1000 सब्सक्राइबर करा लो फटाफट। और इसके अलावा आपको जो पुराना वाला चैनल है अपना, वहां पे आपको हर तरीके के टेक कंटेंट देखने को मिलेंगे। आप लिमिटेड नहीं रहेंगे कि सिर्फ स्मार्ट वॉच वाले ही कंटेंट देखने को मिल रहे हो, तो वहां पे भी काफी ज्यादा काम करने की सोची हमने आगे। और इसके अलावा भी एक आध चैनल हम इन फ्यूचर और खोलने वाले हैं, तो उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों को जल्दी दे दूंगा। तो अभी हम फटाफट चलते हैं इस स्मार्ट वॉच के बारे में बात करते हैं, जो कि Firebolt 12 तारीख को लॉन्च करने वाली है, यानी कि 12 नवंबर को। और इस स्मार्ट वॉच में काफी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो अभी हम चलते हैं और फटाफट इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि आप लोगों को पता है ये नया चैनल है और इस पे गिव अवे भी आने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब मार दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है, ऊपर ही आपको वॉच की प्रिंटिंग, ब्रांडिंग और ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिलते हैं। बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बात करूं बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, एक मिलता है आपको वारंटी कार्ड, यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन भी दिए गए हैं जो कि Firebolt वाले हमेशा अपनी स्मार्ट वॉचेस में देते हैं। इसके अलावा एक पोको पिन वाला चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के साथ आती है और ऑब्वियसली मिलती है ये स्मार्ट वॉच जो कुछ इस तरीके की लगती है। बाकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। बात की जाए अगर सेटअप एंड एप्लीकेशन की, तो वही DFIT करके एप्लीकेशन आती है जिसके थ्रू आप Firebolt की ऑलमोस्ट सारी स्मार्ट वॉचेस को सेटअप कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो तो जाके देख लेना। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे आपको एप्पल लुक लाइक स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है, बस थोड़ा सा स्ट्रैप के बगल में चेंजेस है, अदरवाइज सारी चीज आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी। एक रोटेटिंग क्रॉन भी दे रखा है, मतलब फंक्शनल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डमी है। बैक साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल स्मार्ट वॉच को काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे देती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक माइक देखने को मिलता है, एक मिलता है स्पीकर, और इसकी क्वालिटी भी हम आगे जाके चेक करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इस प्राइस रेंज में आपको मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी लगती है स्मार्ट वॉच की। इसके अलावा स्ट्रैप की बात करूं तो वही एप्पल वाला ही 44mm का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, और स्ट्रैप की क्वालिटी डिसेंट है, बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं कहूंगा और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। तो ओवरऑल इसके बिल्ड एंड डिजाइन को मैं 9/10 दूंगा। बात करते हैं यार इस स्मार्ट वॉच की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको 1.91 इंच की बॉर्डरलेस मतलब बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे काफी कम बेजल देखने को मिलेंगे, नीचे से थोड़ा बहुत लगेगा आपको, बट इतना ज्यादा फील नहीं होता जब आप इस स्मार्ट वॉच को पहनते हो। साथ ही साथ जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है, पीक ब्राइटनेस भी आपको 450 निट्स तक की देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आउटडोर में भी जैसा कि देख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं हो रही है विजिबिलिटी को लेकर। इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो, जो कि काफी सही चीज है, और रोला जमा सकते हो यार, काफी बढ़िया क्वालिटी लगती है कस्टम वॉच फेसेस की भी। साथ ही साथ इस स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हेल्थ ट्रैकर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग और ब्रीथ मोड जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स में कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा आपको फाइंड माय फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। बात करूं मैं स्पोर्ट्स मोड की, तो 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाने हैं, तो यार ये चीज काफी सही लगी। वाटर रेजिस्टेंट की बात करूं तो IP67 के साथ आती है ये स्मार्ट वॉच, अगर IP68 होता तो ज्यादा बेटर रहता वैसे, लेकिन ठीक है IP67 से भी आप बारिश वगैरह में यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा बैटरी बैकअप की बात करूं तो यार 7 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आप लोगों को, कॉलिंग के साथ आपको 2 से 3 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है, तो ओवरऑल ठीक है। डिसेंट डेज का बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मुझे तो काफी सही लगी है वैसे जितना मैंने इसको अभी तक यूज किया है। और इस स्मार्ट वॉच में आपको इनबिल्ट गेम्स भी मिल जाते हैं, तो आप टाइम पास के लिए चाहो तो खेल सकते हो। वॉच UI की बात करूँ तो यहाँ पे राइट से स्वाइप करता ही आपको विजेट के कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे ही आप ऊपर से स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पे सेटिंग के कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे इस स्मार्ट वॉच को ऑपरेट करने के लिए। सेटिंग के अंदर भी आपको भरपूर फीचर्स मिल जाते हैं, तो एक बार सेटिंग को जरूर से चेकआउट कर लेना। लेफ्ट से स्वाइप करते ही रिसेंट ऐप मिल जाते हैं, जो भी आपने रिसेंट में यूज किया हो। नीचे से स्वाइप अप करते ही आप मेन मेन्यू में आ जाते हो और यहाँ वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताए। इसके अलावा आप लोग क्रॉन के थ्रू वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे आपको 7-8 इनबिल्ट वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाए।
जाएंगे। ओवरऑल यार वॉच यूआई एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी तक काफी सही रहा है मेरा, मैंने हैंग या लैग जैसा कोई इशू फेस अभी तक नहीं किया है। बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो काफी टाइम से इस स्मार्ट वॉच को मैं यूज कर ही रहा हूँ और अभी भी आप जैसा कि देख पा रहे हो ऑक्सीमीटर से मैंने इसको कंपेयर किया और एट द एंड जो रिजल्ट मिलता है यार वो काफी सही देखने को मिलता है। इतना ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा जब भी आप ऑक्सीमीटर से इसको मैच करोगे। वही बात की जाए SPO2 की तो यहाँ पे भी काफी कमाल का काम किया फायरबोल्ट ने इस स्मार्ट वॉच के साथ पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 90% एक्यूरेसी देखने को मिल जानी है। वैसे मैं यही कहता हूँ कि चाहे SPO2 हो या हार्ट रेट हो, स्मार्ट वॉच के भरोसे आप लोगों को नहीं बैठना। इसके अलावा सरफेस पे कोई रीडिंग नहीं देती, मैंने ट्रैप पे हवा में और टेबल पे भी चेक कर लिया है, अभी तक तो मुझे कोई भी रीडिंग नहीं मिली है। अभी चलते हैं फटाफट कॉलिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसी है इसकी कॉलिंग क्वालिटी, सामने वाले को आवाज कैसी जाती है और हमें उसकी आवाज कैसी आती है। हेलो भाई, अर्शद बोल रहा हूँ, मैं बहुत से कॉल कर रहा हूँ यार, कॉल आवाज सही आ रही है क्या तेरे को? आ रही है भाई, आ रही है एकदम माशाल्लाह से। सही बता, नई वॉच आई है यार उसी से कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, साफ आ रही है, जैसे फोन पे आती है वैसी आ रही है। चल ठीक है, यही पूछ। तो करता हूँ आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी का एक अंदाजा मिल गया होगा, मुझे आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी कैसी लगी। आते हैं स्पोर्ट्स मोड पे, जैसा कि पता है यार ये काफी ज्यादा मैं अच्छी तरीके से करता हूँ और आउटडोर वगैरह भी जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बाहर भी गया था जैसा कि आप लोगों ने देखा और थोड़ी देर इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैंने रनिंग करी ताकि आप लोगों को एक एक्यूरेट डेटा मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, यूं ही कुछ भी ना बताऊँ। तो आप लोग जैसा कि अभी देख पा रहे हो यहाँ पे 3 मिनट समथिंग वॉक करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आया है और जो यहाँ पे हार्ट रेट है, कैलोरीज है, किलोमीटर्स है, स्टेप्स है, वो काफी एक्यूरेट प्रोवाइड कर देती है ये स्मार्ट वॉच, तो यहाँ पे भी आपको 90% एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल आप लोग फिटनेस के लिए भी स्मार्ट वॉच को यूज कर सकते हो। बात करते हैं कंक्लूजन की कि आप लोगों को ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वैसे हाथ में पहनने के बाद तो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, ऐसे कोई बता नहीं सकता दूर से एप्पल है या फिर कोई और सी स्मार्ट वॉच है। तो यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी काफी सही मिलती है, कॉलिंग क्वालिटी भी काफी तगड़ी है इस स्मार्ट वॉच की और जो सबसे अच्छी चीज है कि बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल रही है। 2500 रुपए में ये स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रही है अमेजोन पर, तो डेफिनेटली यार इसको तो चेकआउट करना बनता ही है। इस प्राइस रेंज में इतने कम बेजल्स किसी और स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेंगे, तो यार इस वाले चैनल को भी जरूर से सपोर्ट करना आप लोग और जल्दी सब्सक्राइब मार दो इसी बात पे और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना। करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। यार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।